भारतीय जनता पार्टी की पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष गुंजन यादव की जगह पर पार्टी ने सुधांशु ओझा को नई जिम्मेदारी दी है। नई जिम्मेदारी मिलते ही जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा का साक्ची स्थित पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ, जहां ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी के कार्यकर्ता नए जिला अध्यक्ष का स्वागत करते नजर आए। जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिपाही हैं, जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे पूरी ईमानदारी के साथ वे निभाएंगे और पार्टी हित के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बचपन से संघ का स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद विद्या भारती जिन भी संगठनों में काम किया, एक स्वयंसेवक होने के भाव से काम किया है और संघ में हम यही सीखे हैं कि भारत माँ को परम वैभव को लाने के लिए, उस स्थान को प्राप्त करने के लिए जो भी काम हो वो काम करना है, उसी रास्ता को अपनाना है, वही मेरा ध्येय पथ है। इसलिए संघ की विचारधारा के अनुरूप भारत माँ को हम परम वैभव को तरफ ले जाने के लिए प्रयत्न रहेंगे। उसमें संगठन जमशेदपुर महानगर का हमको दायित्व तो दिया है, हम जमशेदपुर के जो नए पुराने सारे लोग हैं सभी कार्यकर्ताओं को लेके अपना प्रयास करेंगे कि हम बेहतर संगठन का काम कर सके और आने वाले चुनाव में वो लोकसभा हो या हमारे महानगर के अंतर्गत 4 विधानसभा हो, हम रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ संगठन को जिता ला सके, ये हमारी योग्यता अपने टीम के साथ होगी। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की वरदानी छांव तले मधुबन में परम पूज्य शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 परमार सागर जी की पावन प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुसार निर्मित किया जा रहा है एक अद्वितीय एवं अद्भुत मंदिर गुणायतन। पंचायतन शैली में बने इस कलात्मक मंदिर के अनोखे अनुभव केंद्र में नवीनतम तकनीक 4DX एवं 11D इफेक्ट्स के साथ 270 डिग्री स्क्रीन के माध्यम से कराया जाएगा आत्मा से परमात्मा का दिग्दर्शन। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ पधारकर करें इस अद्भुत कार्य योजना का अवलोकन। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार।